ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के शो की, जहां पर होने वाले हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का रिटर्न। और इसके अलावा WWE ने एक मैच भी ऑफिशियल करके रखा है और जो कुछ भी होगा इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के शो में उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्ट अपडेट और भी ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि WWE ने कौन सा मैच ऑफिशियल किया है। तो यहाँ पर WWE ने एक मैच ऑफिशियल किया है जो कि है केविन ओवंस का मैच, और वो मैच किसके साथ है वो पता नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है इजीकेल के साथ, वो हो सकता है अलायस के साथ, या फिर वो हो सकता है एर्नाल्डो के साथ। अब एर्नाल्डो कौन है, अब वो तो भाई कल ही पता चलेगा, क्योंकि इजीकेल ने जो हमारे अलायस हैं उन्होंने बताया कि उनका एक भाई भी है। तो यहाँ पर कल ही देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि केविन ओवंस का मैच किसके साथ होता है इन तीनों में से। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर लें जो कुछ शो से देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। तो जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं वो कल हम सभी को फिर से रिडल पर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर रिडल को लास्ट वीक का बदला लेंगे, क्योंकि लास्ट वीक सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था रिडल पर। तो मे बी क्या पता कल के रॉ के शो में रिडल अटैक करें सेथ रॉलिंस पर। और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि मे बी आगे चल के इनका मैच भी हो सकता है रिडल एंड सेथ रॉलिंस का। बियांका ब्लेयर एंड कार्मेला की बात कर लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ हो सकता नहीं है। क्या पता WWE कोई ब्रॉल वगैरह दिखा दे, या कोई प्रोमो हो जाए, या फिर कोई टैग टीम मैच में WWE दोनों सुपरस्टार्स को बुक कर दे। और ये जो शो होने वाला है कल का रॉ का शो का, वो गो होम एडिशन शो होने वाला है, या फिर कहते मनी इन द बैंक से पहले लास्ट एपिसोड होने वाला है मंडे नाइट रॉ का। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से होगा नहीं बियांका एंड कार्मेला के बीच। बाकी रिया रिपी तो अभी इंजर्ड हैं, और फिन बैलर डेमी प्रीस्ट क्या पता कल शायद ही रॉ के शो में, हालांकि वो मेन इवेंट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रॉ पर मेरे हिसाब से उनके लिए अभी कुछ प्लान्स हैं नहीं है। और क्या पता कल कोई चौथा मेंबर हम सभी को देखने को मिल जाए जजमेंट डे में, जिसके चांसेस कम हैं। ऑस्टिन थ्योरी एंड जॉन सीना के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर लास्ट वीक बॉबी लैशली जीते थे, और ज़्यादा चांसेस है कि मनी इन द बैंक में जो हमारे थ्योरी हैं वो अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लें। तो मैं आपसे ऐसे अंदाज़ लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई जब कोई मैच होता है उससे पहले ऐसे बंदे को अपरेंट दिया जाता है जो कि जीतना नहीं वाला हो, तो मे बी लैशली के हाथ में कल अपरेंट आ सकता है और वो अटैक वगैरह कर सकते हैं थ्योरी पर, और थ्योरी भागते हुए नज़र आ सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकती है थ्योरी के साथ में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं तो भाई यही चाहूँगा कि बॉबी लैशली मनी इन द बैंक के अंदर न्यू US चैंपियन बन जाए। एजी स्टाइल्स की बात कर लें तो यहाँ पर आई थिंक उनका जो पंगा है वो मिस से चलने वाला है, देख के तो ये लग रहा है लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के हिसाब से। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग सबसे बड़ी चीज़ की जो कि रॉ के अंदर होने वाली है, जो कि है सीना का रिटर्न, और मे बी शो के स्टार्टिंग में हो जाए या फिर शो के बीच में। ज़्यादा चांसेस है कि शो की स्टार्टिंग में हो जाए, और मेन इवेंट में तो भाई लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। यहाँ पर जो हमारे जॉन सीना है वो आके बता सकते हैं कि वो क्यों आ रहे हैं वापस से, और हाँ सेलिब्रेशन करने वाले हैं सेलिब्रेशन करने वाले हैं जॉन सीना अपने WWE के अंदर 20 साल होने का। और थ्योरी हर हफ्ते बोल रहे हैं सीना के बारे में कि सीना का सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं है, और मैंने कहा था ना इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, तो वो बात आ चुकी है, क्योंकि थ्योरी बीच में इंटरप्ट करने आएंगे मेरे हिसाब से ज़रूर से। और क्या पता थ्योरी एंड लैशली के मैच में सीना बन जाए गेस्ट रेफरी, जिसके चांसेस कम तो हैं लेकिन ऐसा हो सकता है। और मनी इन द बैंक के लिए और भी पब्लिक जमा हो सकती है सीना को देखने के लिए, बाकी ऐसा कुछ हो सकता है। और एक और स्पॉट बचा है मनी इन द बैंक में, आई थिंक वो रॉ की तरफ से होगा, बट स्मैकडाउन की तरफ से, तो वहाँ पर हम सभी को मे बी जॉन सीना भी ऐड होते दिखाई दे सकते हैं, अगर WWE के पास कुछ डिफरेंट प्लान्स हो। बाकी ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से सीना की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल मेमोरी जो उसकी वीडियो थी वो भी तक कितनी अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।